हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में आपके लिए एक अलग सी चीज लेके आ रहे हैं। हमने एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके लिए एक सीरीज चलाई जिसका नाम है रोजाना कमाई। तो दोस्तों, यू एंड मी चैनल पर हमने रोजाना कमाई के अंतर्गत स्टॉक मार्केट की बारीकियों के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अंदर आप छोटा सा डीमैट अकाउंट ओपन करके कहीं भी आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। हमें आपको सिर्फ बेसिक समझाने का प्रयास किया कि कैसे हैजिंग करते हैं दोस्तों, एफएनडो में, एनएससी में, बीएससी में किस प्रकार हैजिंग करते हैं, जैसे कि हैजिंग है तो किस प्रकार से आप करेंगे। अगर आप हैजिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार आप एफएनडो है, एनएससी है, बॉम्बे पर हैजिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों एफएनडो और एनएससी और बीएससी पर हैजिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। वो हम आपको इस बारे में बात करने का प्रयास करते हैं कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या करें जिससे कि आपकी नुकसान को कम से कम किया जा सके। दूसरा हम आपको बताते चार्टिंग के बारे में। चार्टिंग में हम आपको बताते हैं कैंडल, लाइन और बार चार्ट में। कैंडल, लाइन और बार चार्ट के बारे में तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छोटे छोटे आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी ऐप आई हुई थी उस पे फोन के ऊपर कि आप चार्ट को पढ़ना वढ़ना कैसे क्या होते हैं, उसमें ओवरले कैसे डाले जाते हैं, कैसे क्या करें, वो आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों फोन के ऊपर अपने कैंडल चार्ट देख लिया या लाइन चार्ट या बार चार्ट देख लिया और उसके हिसाब से आप कैश में बैठे काम कर रहे हैं या फंडों में काम कर रहे हैं, तो उससे बहुत आसान हो जाता है अपने आप को एक संतुलित व्यवहार करना, जिससे कि आप रोजाना कुछ ना कुछ कमा के उठ सकें और अपने नुकसान को मिनिमाइज कर सकें। तो दोस्तों इसी भी आप पर हमने एक और सीरीज चलाई थी कि बैरिश हरामी, हम कैंडल्स के बारे में आपको बता रहे थे यहाँ पे कि चार्टिंग में जब हम चार्ट को पढ़ते हैं तो हमें किन किन चीजों के कितने प्रकार के चार्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने अलग अलग चार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बैरिश हरामी में दोस्तों दो कैंडल की रिक्वायरमेंट होती है, टू कैंडल्स रिक्वायर होती है बैरिश हरामी को बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि एक अप ट्रेंड चला, जैसे अप ट्रेंड में आखिर में एक कैंडल बनती है दोस्तों, ये हमारी एक अप ट्रेंड की कैंडल बन गई यहाँ, जिसका ओपन होगा, क्लोज होगा, हाई होगा और ये लो होगा। तो इसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनेगी दोस्तों, यानी कि एक लंबे रन के बाद में एक व्हाइट कैंडल आती है और उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बन जाती है, जो कि हमें संकेत करती है कि यहां से जो हमारा रन है अब ट्रेंड का, जो हमारा रन चला हुआ अप ट्रेंड का, वो यहां से डाउन ट्रेंड में शुरू होने वाला है। तो हम यहां पर एक स्टिक सा स्टॉप लॉस लेके यहां पर हम शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करेंगे या फिर सेल करेंगे। तो शॉर्ट और सेल करने का मतलब यह होता है कि जितना हमने यहाँ पे अप ट्रेंड देखा है उतना ही हम यार डाउन ट्रेंड देखेंगे, लेकिन अपना स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्ट रखेंगे, जो पहले का हमारा यहाँ पे क्लोजिंग होगी उसको ब्याह पर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस करके यहाँ पर सेल आउट कर देंगे इसकी क्लोजिंग के ऊपर। तो दोस्तों ये बैरिश हरामी होता है, जो कि एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि आप देखेंगे शेयर चलने के बाद वापस किसी शेयर ने 10 रुपए चाल चली तो वहां से वापस वो 3-4 रुपए वापस आता है, किसी ने 2 रुपए चाल चलने के बाद वापस 50 पैसे आता है, कोई 5 रुपए चल के वापस 1.5 रुपए तक की डाउन साइड या 2 रुपए तक की डाउन साइड दिखाता है, तो एक शेयर चलने के बाद वापस डाउन ट्रेंड दिखाता तो वहां पर ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो जो भी इंसान चार्टिंग करके अर्फिट ट्रेड करता है या इन्वेस्ट करता है वो काफी प्रॉफिटेबल होता है, और इसीलिए हमने बारीकियों समझाने का प्रयास किया है कि पहले हेजिंग समझाया हमने आपको, फिर चार्टिंग समझाया, और चार्टिंग में अलग अलग चार्टों को हम किस प्रकार से एज्यूम ना करेंगे, उनको सिर्फ उनको स्टडी करेंगे कि क्या है करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों बैरिश हरामी कहते हैं छोटी सी अप ट्रेंड के बाद में छोटी कैंडल बनेगी, वहां पर हमें शॉर्ट करना है सर, ये हमारा जो अप ट्रेंड कैंडल थी वहां पर हमने स्टॉप लॉस लेना है या और बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करेंगे, और डाउन ट्रेंड भी हम उम्मीद करेंगे कि उतना ही डाउन ट्रेंड देखें यहाँ पे जितना कि हमने अप ट्रेंड देखा है, या नहीं तो फिर कुछ ना कुछ डाउन ट्रेंड हम जरूर देखेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लाया जा सके। जैसे ही डाउन ट्रेंड शुरू होगा आप अपने स्टॉप लॉस को भी नीचे करके आ जाएंगे साथ साथ में, ताकि अपने जो प्रॉफिट आपने लेना शुरू किया था उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम किया जा सके।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताएं, और हमारी और भी वीडियो को फॉलो करें, क्योंकि हमने पूरी पूरी सीरीज चलाई है आपके लिए किस प्रकार चार्टिंग को पढ़ते हैं, किस प्रकार हेजिंग कर दें। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियो जो अपकमिंग वीडियो हमारी है स्टॉक मार्केट के बारे में वो भी आपको मिल सके। बिल्कुल बेसिक चीजें हम बताते हैं आपको दोस्तों, ताकि किसी भी उलझन में आप ना रहे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल यू एंड मी।